स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय अंग्रेजी प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ पर दिया गया प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट और खंड वा का कंप्लीट सोल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना टाइम खराब किए तो यहाँ पर आपको डालना अपना नाम, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम और यहाँ पर कक्षा। इतना भर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ नीचे आना है यहाँ पर और यहाँ से अपना कार्य स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कार्य दिया गया हमारा सेक्शन नंबर बी, पहले का हमने पहले ही कर चुके हैं दूसरे वाले वीडियो में, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन और अराउंड योर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का दिया गया है अपने घर अथवा घर के आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 20 वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, यहाँ पर सूची बनानी है तो इसका मैंने पहले ही यहाँ पर बना के रखी है, तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये रही आपकी 20 वस्तुओं की सूची जो हमारे आसपास पाई जाती है। ठीक है, घर में पाई जाती हैं या फिर हमारे आसपास पाई जाती हैं, तो आप यहाँ से नंबर डाल के लिख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, ये 20 वस्तुएं हो जाएंगी आपकी। देख लीजिए अच्छे से, ये रही हमारी 20 वस्तुएं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, इसमें लिखा है यूजिंग एनी 10 ऑफ अबव आइटम्स कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब दिया गया यहाँ पर उपरोक्त वस्तुओं में किन्हीं 10 का उपयोग करके तालिका को पूर्ण करना। ठीक है, यहाँ पर तालिका को पूर्ण करना, तो यहाँ पर 10 वस्तुएं लेनी है जो हमने ऊपर लिखी हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हमें इस तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें उस वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है उसको लिखना है, और यहाँ पर लिखना है इंडोर या आउटडोर, मतलब अंदर प्रयोग किया जा सकते हैं या फिर बाहर। ठीक है, अगर दोनों दोनों जगह कर सकते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे हम बोथ। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों जगह। तो देख लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या है हमारा, तो ये रहा यहाँ पर आंसर इसकी। यहाँ से अच्छे से देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर लिखना पहले वाले में ये नाम की जगह पर लिखना आइटम नेम्स, यहाँ पर यूज और यहाँ पर इंडोर आउटडोर, इसका मतलब बूथ का मतलब दोनों जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अच्छे से पॉइंट डाल लेंगे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, आठवां हो जाने के बाद यहाँ ये नौवां और दसवां, ये हो जाएंगे। अच्छे से देख लीजिए इनको, नंबर डालते चलना ढंग से। ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो जाने के बाद यहाँ पर ये डॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवा और ये आठवा। बुक हमारा कौन सा है, आठवा हो जाएगा। बुक के बाद देखते हैं नौवा स्टोन है हमारा, तो ये नौवा हो जाएगा और ये दसवा हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ये हो जाएंगे हमारे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसका, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर सेकंड नंबर पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड इट्स कलर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है इसका, और यहाँ पर एक रेनबो का चित्र बनाना है, यानी इंद्रधनुष का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर रेनबो का चित्र देखते हैं पहले, ये रहा हमारा डायग्राम इसका, इंद्रधनुष का चित्र, तो इस इंद्रधनुष को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ये इंद्रधनुष बन रहा है, इसके ये कलर लिखे हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप कलर लिख लेंगे, इसको आप ऐसे में नहीं लिखेंगे खड़े में, तो आप आड़ी लाइन में ऐसे ऐसे लिख सकते हैं नंबर डाल के। ठीक है, मैंने ऐसे में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देख लीजिए अच्छे से। तो ये रहा, इस प्रकार से चित्र बनाना है आपको, इसको चित्र बना लीजिए। इसके बाद हम चित्र बनाने के बाद यहाँ पर ये नाम लिखेंगे, अच्छे से देख लीजिए इनको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, तो ये चित्र बनाने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेनबो के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, 5 वाक्य लिखने हैं हमें रेनबो के बारे में, मतलब इंद्रधनुष के बारे में। तो ये रहे हमारे इसके 5 सेंटेंस, तो अच्छे से देख लीजिए इनको, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यही 5 वाक्य हमें लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर ये पाँचवा। ठीक है, ये चौथा है आपका यहाँ पर, तो देख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए इनको। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका उसका डाउट का कंप्लीट कर दूंगा सोल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।